नमस्कार। तो आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है ये है, एक पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक निर्धारित की थी। तो ये की थी 1700 से लेकर 1900 विक्रम तक। यहाँ पर जो विकल्प भी बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दो। तो पूछा गया है इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, पूर्व मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल था यह रीतिकाल का नाम नहीं माना जाता है। बाकी जो उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल और अलंकृत काल, ये तीनों नाम रीतिकाल के हैं। अगला प्रश्न है तीन। पूछा यह है हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ था। तो ये काल माना जाता है रीतिकाल। यहाँ पर जो विकल्प सी बिल्कुल उचित होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ, हमारे जो टीम है इसके द्वारा एक PDF को लॉन्च किया गया है। इसमें हिंदी साहित्य के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप इस PDF को परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 8988412028 पर WhatsApp मैसेज कर इस PDF को प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम, WhatsApp और Facebook पेज भी है। अगर अभी तक आप उनके साथ नहीं जुड़े हैं तो आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इनके साथ जुड़ सकते हो। अगला प्रश्न है चार। पूछा गया है रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया था। तो ये दिया था श्रृंगार काल। यहाँ पर जो विकल्प डी है बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है पाँच। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। तो जो लक्षण ग्रंथ का निर्माण करते थे उन कवियों को कहा जाता है आचार्य। यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है छः। पूछा गया है रीति निरूपण का अर्थ क्या है। तो जो रीति निरूपण का अर्थ है तो ये है काव्यांग निरूपण। सही विकल्प रहेगा विकल्प ए। अगला जो प्रश्न है यह है सात। पूछा गया है आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इनके अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक रहा है चिंतामणि। यहाँ पर जो विकल्प भी बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न है आठ। पूछा गया है इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा ये रहेंगे भूषण। बाकी जो रीतिमुक्त कवि थे ये थे घनानंद, बोधा और आलम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नौ। रीतिकाल में बीरस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है। तो ये होंगे भूषण। यहाँ पर डी सही विकल्प रहेगा। जो भूषण थे इनके द्वारा रीतिकाल में बीरस की कविता का रचना किया गया है। अगला प्रश्न है दस। पूछा गया है इनमें से रीतिसिद्ध कवि कौन है। तो जो रीतिसिद्ध हैं तो ये होंगे बिहारी। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। बाकी जो घनानंद है ये रीतिमुक्त है, देव और पद्माकर रीतिबद्ध हैं। अगला जो प्रश्न है ये है ग्यारह। पूछा गया है इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है। तो जो रीतिबद्ध कवि होगा तो ये माने जाते हैं विकल्प ए देव। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है निम्न सूची को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो भिखारी का संबंध रहेगा तो ये रहेगा रीतिसिद्ध कवि के साथ, और जो घनानंद है ये रीतिमुक्त कवि हैं, और जो देव हैं ये रीतिवद कवि हैं, और जो भूषण है ये बीरस के कवि हैं। इसे हमने पहले पढ़ लिया है। तो जो यहाँ पर सही मिलान होगा तो वो होगा विकल्प बी, अर्थात कोड भी सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर तेरह। तो पूछा गया है भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है। तो जो भाषा भूषण ग्रंथ है तो ये होगा जसवंत सिंह का। सही विकल्प सी रहेगा। अगला प्रश्न है चौदह। पूछा गया है इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। तो ये थे विकल्प डी सेनापति।
सेनापति के द्वारा रीतिकाल में प्रकृति का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है 15, पूछा गया है ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। तो जो ललित ललाम रचना है इसके रचयिता माने जाते हैं मतीराम। यहाँ पर जो विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है यह है 16, पूछा गया है अमीय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नाभ। तो ये प्रसिद्ध उक्ति है किसकी है? तो ये होगी रसलीन की। यहाँ पर जो विकल्प भी बिल्कुल उचित होगा, जो ये पंक्ति है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है, तो चलिए मिलान करते हैं। जो शिवराज भूषण है ये ग्रंथ भूषण जी का होगा। रस रहस्य ग्रंथ है तो ये कुलपति मिश्र का ग्रंथ होगा। अगला जो पद्माभरण ग्रंथ है ये पद्माकर का ग्रंथ होगा। अगला जो चौथा ग्रंथ है काव्य निर्णय तो ये भिखारी दास का ग्रंथ होगा। इस प्रकार जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 18, पूछा गया है इनमें से सत्सई किस कवि की रचना नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पर घनानंद रहेगा। जो घनानंद है इनके द्वारा सत्सई की रचना नहीं की गई है। बाकी जो बिहारी है इनकी सत्सई तो बहुत ही प्रसिद्ध है, और जो मतीराम है वृंद है इनके द्वारा भी सत्सई की रचना की गई है सिवाय घनानंद की। अगला प्रश्न रहेगा 19, पूछा गया है कौन सा ग्रंथ कविभूषण द्वारा रचित नहीं है। तो ये होगा विकल्प ए छत्र प्रकाश। जो छत्र प्रकाश है इनके द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। बाकी छत्रसाल दशक शिवराज भूषण और शिवा बावनी ये तीनों रचनाएं भूषण की है। अगला प्रश्न है 20, पूछा गया है देवमाया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है। तो जो देवमाया प्रपंच नाटक है इसके रचनाकार माने जाते हैं देव। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 21, पूछा गया है छत्र प्रकाश किस कवि की रचना या कृति है। तो ये होगी विकल्प सी लाल कवि की। तो ये प्रश्न भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 22, पूछा गया है नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिरी आइयो खेलन होरी। तो ये जो प्रसिद्ध उक्ति है किसकी है? तो ये प्रसिद्ध उक्ति होगी पद्माकर की। और ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी कहीं पर नोट करिएगा। अगला प्रश्न है ये भी सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करने वाला प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं मिलान करते हैं। जो ग्वाल कवि हैं इनके द्वारा हमीरहट की रचना की गई है। जो पद्माकर है इनके द्वारा जगत दुनियोत ग्रंथ है इसकी रचना की गई है। और जो बोधा है इनके द्वारा विरह बारिश ग्रंथ की रचना की गई है। और जो देव हैं इनके द्वारा भाव विलास ग्रंथ की रचना की गई है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर सही कोड होगा तो ये होगा विकल्प सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24, तो पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए कथनों को देखते हैं। जो पहला कथन है ये है बिहारी सत्संग में 713 दोहे हैं, बिल्कुल उचित होगा। अगला है भूषण रीतिवत कवि हैं, तो ये भी कथन बिल्कुल उचित होगा। अगला है घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, तो ये कथन भी बिल्कुल उचित होगा। और जो अगला प्रश्न है केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा संशय है। जो केशव थे तो ये रीतिकाल के प्रवर्तक वैसे तो माने जाते हैं, परंतु अधिकतर मत इसके पक्ष में नहीं है कि जो केशवदास थे रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है 25, तो पूछा गया है भवानी विलास किस कवि की रचना है। तो जो भवानी विलास रचना है तो ये होगी विकल्प ए देव की। नमस्कार, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको आरंभ में ही थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। हमारी टीम के द्वारा एक पीडीएफ को लॉन्च किया गया है, जो ये पीडीएफ इसमें आपको 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें यहाँ पर शामिल किया गया है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो
तो आप 8988412028 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। तो चलिए जो आज की वीडियो के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है ये है 26। पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है। तो जो सही विकल्प रहेगा यहाँ पर तो ये होगा विकल्प डी, रसिक प्रिया। जो रसिक प्रिया है ये मतीराम की रचना नहीं है, ये केशवदास की रचना है। बाकी जो अलंकार पंचाशी का है, वृत्त कौमुदी है, लित ललाम है, ये तीनों रचना ही मतीराम की है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27। तो पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। तो जो केशवदास की रचना नहीं होगी तो वो होगा विकल्प डी, रस रहस्य। बाकी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ये तीनों रचना ही केशवदास की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 28। पूछा गया है जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, ये पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है। तो ये पंक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो जो ये पंक्ति कही गई है ये कही गई है बिहारी दास के संबंध में, यहाँ पर विकल्प भी उचित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 29। पूछा गया है जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को है। तो ये श्रेय रहा है पद्माकर को, यहाँ पर सही विकल्प बी रहेगा। ये रहते थे जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 30। पूछा गया है इनमें से कौन सा कवि इटावा के निवासी माने जाते हैं। तो जो देव थे ये इटावा के निवासी माने जाते हैं, सही विकल्प डी रहेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ जुड़ सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी इसी के साथ बाकी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है ये है 31। पूछा गया है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। तो जो यहाँ पर सूची ए है इसे सूची दो के साथ सुमेलित करना है। जो श्रृंगार मंजरी रचना है ये रहेगी चिंतामणि की, रसविलास रचना है ये मंडन की रहेगी, रतन हजारा कृति है ये रसनिधि की रहेगी, और जो अलंकार पंचाशी का है ये मतीराम की रचना रहेगी। तो इस प्रकार जो यहाँ पर मिलान डी बिल्कुल उचित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। तो जो इस ग्रंथ के रचयिता होंगे तो ये होंगे गोपकवि, यहाँ पर जो विकल्प भी है उचित रहेगा। यहाँ पर आपको कई बार यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो रामचंद्राभरण नामक ग्रंथ है इसका विषय क्या है, तो यह एक अलंकार ग्रंथ होगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 33। पूछा गया है व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं तो ये होंगे प्रताप शाही, यहाँ पर जो विकल्प भी बिल्कुल उचित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है 34। तंत्री नाद कवितरस सरस राग रति रंग, यह पंक्ति किस कवि की है। तो जो ये पंक्ति रहेगी ये रहेगी बिहारी दास की, यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है ये 35 है। पूछा गया है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो जो कठिन काव्य का प्रेत है ये केशवदास को कहा जाता है, यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल उचित होगा और ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 36। पूछा गया है त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जो ये पंक्ति है त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इसके रचयिता के बारे में बताना है। तो ये पंक्ति होगी भूषण की, यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल उचित रहेगा और ये पंक्ति भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न है 37। पूछा गया है हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते हैं, वे कवि कोटि में आते हैं। तो जो ये पंक्ति है दोस्तों ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर नेट की परीक्षा में ये पंक्ति पूछी जाती है। तो ये जो पंक्ति होगी ये होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, यहाँ पर जो विकल्प सी है उचित रहेगा यह उत्तर।
अगला प्रश्न 38 है, पूछा यह है रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है। तो जो रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि हैं तो ये होंगे विकल्प ए घनानंद। अगला प्रश्न है 39, पूछा गया है लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है। तो ये होगा विकल्प ए काव्यांग निरूपक ग्रंथ। अगला जो प्रश्न है ये पूछा गया है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजे कविता बनीता मीत। तो ये पंक्ति किसकी है या दोहा किसका है, तो ये है केशवदास का। यहाँ पर जो विकल्प ए बिल्कुल उचित रहेगा। अगला प्रश्न है 41, पूछा गया है भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की थी। तो ये की थी विकल्प सी नायिका भेद ग्रंथों की। नमस्कार दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा आपकी परीक्षा के लिए एक टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट किया है। जो ये टेस्ट सीरीज़ है ये स्पेशली लैंग्वेज टीचर के लिए है। इसी के साथ साथ ये जो टेस्ट सीरीज़ है नेट JRF सेट TGT PGT इत्यादि के लिए भी लाभदायक होगी। इसमें आपको 5 टेस्ट मिलेंगे और जितने भी टेस्ट होंगे ये सभी उच्च श्रेणी के होंगे। अगर आप लोग इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हो तो आप दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करने हैं, आपको वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है उसे देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न है, तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है ये है 42, पूछा गया है रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें से नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी है, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था। अगला प्रश्न है 43, पूछा गया है डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है। तो जो डॉक्टर नगेंद्र थे इन्होंने रीति ग्रंथकारों को कवि शिक्षक आचार्य माना है। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न है 44, पूछा गया है इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है। तो यहाँ पर जो रीतिकाल का कवि नहीं होगा तो वो होगा विकल्प बी रस खान। बाकी याकूब खां, दूल्हा और बेनी कवि, ये तीनों ही कवि रीतिकाल के हैं। आगे जो प्रश्न है 45, ये मिलान करने वाला है। यहाँ पर सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। जो देव हैं इनकी रचना है शब्द रसायन, और जो भिखारी दास हैं इनकी रचना होगी काव्य निर्णय। इसके पश्चात जो चिंतामणि हैं इनकी रचना होगी कवि कुल कल्पतरु। आगे है जो पद्माकर, इनकी रचना होगी पद्माभरण। इस प्रकार जो यहाँ पर विकल्प ए या कूट ए होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 46, पूछा गया है इत आवती चली जात उत चली छे सातक हाथ, जो ये प्रसिद्ध उक्ति है किस कवि की है। तो ये उक्ति होगी बिहारी दास की, सही विकल्प होगा सी। अगला क्वेश्चन है 47, तो पूछा गया है इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है। तो यहाँ पर जो रीतिकालीन काव्य की विशेषता नहीं होगी तो वो होगी विकल्प सी राष्ट्रीय भावना। जो रीतिकालीन कवि थे इनमें राष्ट्रीय भावना का अभाव पाया जाता है। बाकी जो रीतिकालीन विशेषताएं हैं उन्हें देखते हैं। रीति निरूपण, ये भी रीतिकालीन काव्य की विशेषता है। चमत्कार प्रदर्शन, ये भी है। श्रृंगार रस की प्रमुखता, ये भी। ये तीनों विशेषताएं रीतिकालीन काव्य की होंगी। अगला क्वेश्चन है 48, पूछा गया है बनन में बागन में बरगियो बसंत है, ये प्रसिद्ध उक्ति किस रीतिकालीन कवि की है। तो ये है सेनापति की। यहाँ पर बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 49, पूछा गया है रणित भृंग घंटावली चरित दान मधु नीर, जो ये उक्ति है किस ऋतु का वर्णन बिहारी के द्वारा किया गया है। जो ये पंक्तियाँ हैं इनमें बिहारी दास के द्वारा बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो डी होगा बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न है 50, पूछा गया है भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने ये प्रस्तुत कथन किसके लिए लिया है। तो जो ये कथन लिया था ये लिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा घनानंद जी के लिए। तो ये पंक्ति इम्पॉर्टेंट है, इसे कहीं नोट करिएगा।
अगला क्वेश्चन है 51, पूछा गया है प्रेम मार्ग का ऐसा धीर प्रतीक एवं जमादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, जो ये प्रसिद्ध उक्ति है किसकी है? तो जो युक्ति होगी ये होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और ये उक्ति कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद जी के लिए, तो ये कथन भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी कहीं नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सियानपन बांक नहीं, जो ये प्रसिद्ध उक्ति है किस कवि की है? तो ये उक्ति होगी विकल्प डी घनानंद जी की, तो ये उक्ति भी है इम्पॉर्टेंट, इसे भी कहीं पर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है 53, पूछा गया है यह प्रेम को पंथ कराल महातलवारी की धार पर धावनो है, तो ये उक्ति भी है इम्पॉर्टेंट, पूछा गया है कि ये उक्ति के रचयिता कौन है? तो जो ये उक्ति होगी ये होगी बोधा की, ये भी इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, कहीं पर नोट करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 54, पूछा गया है नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनिया करें, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति होगी आलम की, यहाँ पर जो विकल्प भी उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 55, पूछा गया है इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है, तो यहाँ पर जो केशवदास का ग्रंथ नहीं होगा तो वो होगा विकल्प सी भाषाभूषण, जो भाषाभूषण है ये केशवदास का ग्रंथ नहीं है, बाकी विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, रत्नबावनी, ये तीनों ग्रंथ ही केशवदास के हैं। अगला क्वेश्चन है 56, पूछा गया है किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो जो केशवदास थे इनकी जो काव्य में संवाद योजना थी ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सही विकल्प यहाँ पर ये रहेगा। दोस्तों आपको वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 57 है, पूछा गया है रसराज और ललित राम ग्रंथों के रचयिता का नाम बताइए, तो जो रसराज और ललित राम ग्रंथ थे इनके रचयिता का नाम है मतीराम, यहाँ पर जो विकल्प है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 58, पूछा गया है सिंधु तरियो उनका बानर तुम पे धनु रेखा गई ना तरी, ये प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो ये है केशवदास की, जो केशवदास थे इन्होंने ये उक्ति अपनी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका में कही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 59, पूछा गया है निम्न सूची को सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर सूची ए को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। पहली सूची में पंक्ति है ये ललित लाल केंदु लसत दिग्भामिनी के बालकों, तो जो ये कर्ण होगा ये होगा केशवदास का। अगला है राबरे रूप की रीति अनुप न्यू न्यू लागिए ज्यों ज्यों निहारिए, तो ये होगा घनानंद का कथन। आगे ये पंक्ति है या अनुरागी चित्त की गति समूझे नहीं कोई, तो ये उक्ति होगी बिहारी दास की। आगे है नैन नचाए कही मुस्काए लल्ला फिरी आयो खिलन होरी, तो जो युक्ति है ये पद्माकर की होगी। इस प्रकार जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, तो ये उक्ति किस कवि की हो? तो जो ये उक्ति होगी ये होगी भूषण की, यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है, तो जो भूषण दास का रीति ग्रंथ होगा तो ये होगा विकल्प ए शिवराज भूषण। अगला क्वेश्चन है 62, पूछा गया है किस कवि की पालकी को बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था, तो ये लगाया था भूषण की पालकी को। अगला क्वेश्चन है 63, पूछा गया है शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है, तो जो शिवराज भूषण है सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये एक अलंकार ग्रंथ है, और इसमें जो अलंकारों की संख्या होगी तो ये होगी 105। अगला क्वेश्चन है 64, बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सोह करे बोहन हंसे देन कहे नटी जाए, तो ये उक्ति है इसमें कौन से रस का प्रयोग किया गया है, तो इसमें किया गया है श्रृंगार रस का प्रयोग। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये जो उक्ति या पंक्ति है किसकी है,
तो ये है बिहारी दास की उक्ति, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है यह 65 पूछा गया है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है, तो ये किया है बिहारी दास के द्वारा, सही विकल्प सी होगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों 66 पूछा गया है, इनमें से सर्वाधिक टीकाएँ किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं, तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार सर्वाधिक टीकाएँ उपलब्ध होती हैं बिहारी सत्संग में। इसके पश्चात कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो आपके समक्ष दो ऑप्शन रखे जाते हैं, एक है बिहारी सत्संग और दूसरा है रामचरितमानस, अगर इन दोनों में से पूछा जाए तो जो रामचरितमानस है उसकी सर्वाधिक टीकाएँ मिलती हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 67 पूछा गया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, जो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं किसके द्वारा कही गई हैं, तो ये पंक्तियाँ कही गई है बिहारी के द्वारा। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 68 पूछा गया है, जहांगीर जसचंद्रिका के रचयिता कवि का नाम बताइए, तो यहाँ पर जो जहांगीर जसचंद्रिका की रचना की है ये की है केशवदास के द्वारा, सही विकल्प सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 69 पूछा गया है, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है, तो ये रहे हैं विकल्प बी पद्माकर, जो पद्माकर थे ये लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि रहे हैं, इसे भी याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 70 पूछा गया है, इश्कलता के रचनाकार का नाम बताइए, तो जो रचना है इश्कलता इसके रचनाकार थे घनानंद, सही विकल्प डी है। अगला क्वेश्चन है 71 तो पूछा गया है, तुलसी गंग दुओ भई सुकविन के सरकार, तुलसी गंग दुओ भई सुकविन के सरदार, ये प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है, तो ये उक्ति है भिखारी दास की, यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा सी, और ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 72 पूछा गया है, पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण्य विषय क्या है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो पद्माभरण नामक ग्रंथ है ये पद्माकर का है, और इसका जो वर्ण्य विषय है यह अलंकार निरूपण है, इसे भी याद रखिएगा, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 73 पूछा गया है, रीतिमुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिलती है, ये मिलती है श्रृंगार रस के चित्रण को, सही विकल्प ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है 74 पूछा गया है, रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं, तो ये तीनों प्रकार की रचनाएं लिखी हैं पद्माकर के द्वारा, इनके द्वारा श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 74 पूछा गया है, भाषा भूषण के रचयिता का नाम बताइए, तो ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये रचना परीक्षा में पूछी जाती है, तो जो भाषा भूषण के रचयिता हैं तो ये हैं जसवंत सिंह, यहाँ पर जो विकल्प डी उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 76 पूछा है, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त धारा का नहीं है, तो जो रीतिमुक्त धारा में नहीं आएगा वो है रसलीन, बाकी बोधा ठाकुर और आलम ये तीनों ही रीतिमुक्त धारा में आते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसी के साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे मैं आपको बता दूँ, हमारी जो टीम है उसके द्वारा हिंदी साहित्य के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, एक पीडीएफ तैयार की गई है जिसमें 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा एक टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है जो लैंग्वेज टीचर के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। जो ये टेस्ट सीरीज है इसमें आपको 5 टेस्ट देखने को मिलेंगे, ये सभी टेस्ट उच्च श्रेणी के होंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। जो ये टेस्ट सीरीज है ये लैंग्वेज टीचर के साथ साथ हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जैसे कि नेट JRF सेट TGT PGT इत्यादि के लिए, इसमें आपको संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है।
अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर आपको संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करना है। प्रश्न संख्या है 77। पूछा गया है इनमें से कौन रीति काव्य का भेद नहीं है। तो यहाँ पर जो रीति काव्य का भेद नहीं होगा तो वो होगा विकल्प बी रीतिभुक्त। जो रीतिभुक्त है ये रीति काव्य का भेद नहीं है। जो रीति काव्य के भेद होंगे वे हैं रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। ये तीन हैं, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 78। पूछा गया है रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार के हैं। तो जो रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य हैं ये मुक्तक काव्य के हैं, मुक्तक अधिक मिलते हैं ये। अगला क्वेश्चन है 79। पूछा गया है बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है। याद रखिएगा, पूछा गया है बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है। तो जो नहीं है ये गीत गोविंद का प्रभाव नहीं है बिहारी सतसई पर, और जिनका प्रभाव रहता है ये है अमरुक शतक, गाथा शतशती और आर्य सतशती। इसे भी याद रखिएगा, तीन है अमरुक शतक, गाथा सतशती और आर्य सतशती, इन्हें याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 80। पूछा गया है इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है। तो जो रीति ग्रंथ नहीं होगा वो होगा बिहारी सतसई। बाकी भाषाभूषण, पद्माभरण और कविप्रिया ये तीनों ही ग्रंथ रीति ग्रंथ हैं सिवाय बिहारी सतसई के। अगला क्वेश्चन है 81। पूछा गया है रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि वह स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। याद रखिएगा यह भी। अगला क्वेश्चन है 82। पूछा गया है इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो जो रीतिबद्ध कवि नहीं होगा तो वो होंगे पद्माकर। जो पद्माकर हैं ये रीतिसिद्ध कवि हैं। बाकी सभी मतीराम, द्विजदेव, ग्वाल कवि ये तीनों ही रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं। अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी मानते हैं द्विजदेव को। यहाँ पर जो सही विकल्प सी रहेगा, और ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है 84। पूछा गया है जग दुनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है। जो जग दुनोद ग्रंथ है इसके रचयिता हैं पद्माकर। यहाँ पर सही विकल्प डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 85। पूछा गया है निम्न सूची को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची ए को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। जो केशवदास है इनका समय 1555 माना जाता है या इनका जन्म 1555 माना जाता है। आगे है बिहारी, तो इनका जो जन्म माना जाता है 1603। इसके पश्चात है मतीराम, इनका जन्म 1617 माना जाता है। इसके पश्चात भूषण है, इनका जो जन्म माना जाता है 1613 ईस्वी। तो इस प्रकार जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा कोड ए। अगला जो क्वेश्चन है ये 86 है। पूछा गया है इनमें से मतीराम की रचना कौन सी नहीं है। तो जो मतीराम की रचना नहीं होगी तो वो होगी विकल्प बी छंदमाला। बाकी ललित ललाम, रसराज और अलंकार पंचाशिका ये तीनों ही रचनाएं मतीराम जी की हैं। अगला क्वेश्चन है 87। पूछा गया है चंद्रबदनी मृगलोचनी बाबा कहीं कहीं जाएं, ये पंक्ति किस कवि ने कही है। तो जो ये पंक्ति कही है ये कही है केशवदास के द्वारा। यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा, और ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन भी सूची ए को सूची दो के साथ सुमेलित करने वाला है। तो चलिए सूची ए को सूची दो के साथ सुमेलित करते हैं। यहाँ पर जो बिहारी जी हैं ये रहे हैं जय सिंह के आश्रय में, ए का डी सही रहेगा। आगे जो देव हैं ये भवानी सिंह के आश्रय में रहे हैं, दो का सी। आगे जो भूषण हैं यह शिवाजी के आश्रय में रहे हैं, तीन का बी रहेगा। और जो पद्माकर हैं यह
प्रतापशाही के आश्रय में रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा यह बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 89, पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है। तो जो पद्माकर की रचना नहीं होगी वो है ललित ललाम, बाकी पद्माभरण, जगदुनोद, गंगा लहरी, ये तीनों ही रचनाएं पद्माकर की हैं। जो ललित ललाम है ये मतीराम की रचना है। अगला क्वेश्चन है 90, पूछा गया है देव ने किस नई संचारी भाव की उद्भावना की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो देव के द्वारा नई संचारी भाव की उद्भावना की थी तो ये है छल, डी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 91, पूछा गया है अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, तो जो ये प्रसिद्ध उक्ति है किसकी है। तो जो ये उक्ति है ये है विकल्प सी देव की। अगला क्वेश्चन 92 है, पूछा गया है हरिणी के नैनन ते हरिणी के ये नैन, पंक्ति है हरिणी के नैननु ते हरिणी के ये नैन में कौन सा अलंकार है। तो जो इस पंक्ति में अलंकार रहेगा ये रहेगा यमक प्रतीक का, यहाँ पर जो बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 93, पूछा गया है इनमें से कौन बिहारी सत्सई की टीका नहीं है। तो जो बिहारी सत्सई की टीका नहीं होगी तो वो होगा विकल्प डी, जो सुबोधार्थ बोधिनी है ये बिहारी सत्सई की टीका नहीं है। बाकी जो विकल्प हैं लालचंद्रिका, बिहारी रत्नाकर, हरिप्रकाश टीका, ये तीनों ही रचनाएं बिहारी सत्सई की टीका मानी जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है 94, पूछा गया है कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति आंगनी चारु गोराई, तो जो ये उक्ति है किस कवि की है। तो ये है मतीराम की, यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 95, पूछा गया है श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है। जो ग्रंथ है श्रृंगार लतिका इसके रचनाकार माने जाते हैं द्विजदेव, सही विकल्प बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 96, पूछा गया है रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे। तो ये थे विकल्प बी गिरिधर दास, तो जो गिरिधर दास थे इनका संबंध रीतिकाल से रहा है, इसे भी याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 97 है, पूछा गया है राम सत्सई के रचयिता कवि का नाम बताइए। तो जो राम सत्सई रचना थी इसके रचनाकार हैं राम सहाय दास, यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 98, पूछा गया है ढेर सो बनाए आए मिले सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, तो जो प्रसिद्ध उक्ति है किसकी है। तो ये प्रसिद्ध उक्ति है ठाकुर की, यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा। जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। आगे प्रश्न है 99, पूछा गया है जान मिले तो जहान मिले नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है और ये पंक्ति है बोधा की, यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 100, पूछा गया है इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद्य में अनुवाद किसने किया। तो ये किया था गोकुलनाथ गोपीनाथ के द्वारा, सही विकल्प ए रहेगा और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अवगत करवा दूँ कि जो हमारी टीम है उसके द्वारा एक PDF को लॉन्च किया गया है जिसमें आपको हिंदी साहित्य के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए अगर आप इस PDF को परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए नंबर है 8988412028 पर व्हाट्सएप मैसेज कर इस PDF को प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों हमारी टीम के द्वारा एक टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है जिसमें आपको टॉप 5 टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट होंगे ये सभी उच्च श्रेणी के होंगे। जो ये टेस्ट सीरीज होगी ये लैंग्वेज टीचर, नेट, JRF, TGT, PGT इत्यादि सभी हिंदी साहित्य की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो ये टेस्ट सीरीज होगी ये हिंदी साहित्य के संपूर्ण सिलेबस से संबंधित होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ GK के क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हो।
यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। अगला प्रश्न है 101, तो पूछा गया है सुजान चरित के रचयिता का नाम बताइए। तो जो सुजान चरित नामक महत्वपूर्ण पुस्तक है इसके रचयिता हैं सुदन। यहाँ पर जो विकल्प सी है बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न है 102, पूछा गया है भरतपुर के राजा सुजान सिंह जिनका उपनाम सूरजमल है के दरबारी कवि इनमें से कौन थे। तो ये थे कवि सुदन, यहाँ पर जो डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 103, पूछा गया है इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है। तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से तीन ग्रंथ वीर रसात्मक हैं परंतु एक वीर रसात्मक नहीं है। तो जो वीर रसात्मक ग्रंथ नहीं होगा तो वो होगा विकल्प डी जग विनोद। जो ग्रंथ ये है जग विनोद, ये वीर रसात्मक नहीं है। बाकी शिवा बावनी, छत्तर साल दशक और सुजान चरित, ये तीनों ही वीर रसात्मक ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है 104, पूछा गया है पौन मया करी घुंघट टरे दया करी दामिनी दीप दिखावे। तो जो उक्ति है ये किस कवि की उक्ति है, तो ये है नागरीदास की उक्ति। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल उचित होगा और ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में अक्सर इसी तरह की पंक्तियाँ पूछी जाती है और हमें पंक्तियों को याद नहीं रहता है कि किस कवि के द्वारा कौन सी पंक्ति कही गई है, इसे आप कहीं पर नोट करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 105, पूछा गया है पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम था। तो जो पृथ्वी सिंह है ये था रसनिधि का वास्तविक नाम, यहाँ पर जो विकल्प भी उचित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 106, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में से थे या हैं। तो ये पंक्ति है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे भी कहीं पर नोट करिएगा। तो जो ये उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में कही थी, तो ये कही थी घनानंद के संबंध में, यहाँ पर जो डी सही विकल्प होगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 107, पूछा गया है छत्र प्रकाश के रचयिता कौन थे। तो जो ग्रंथ है छत्र प्रकाश इसके रचयिता माने जाते हैं लाल कवि, यहाँ पर जो विकल्प सी है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 108, पूछा गया है छत्र प्रकाश किस प्रकार का ग्रंथ है। तो जो छत्र प्रकाश ग्रंथ है यह एक चरित काव्य होगा, यहाँ पर जो विकल्प भी बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 109, पूछा गया है छंदों की विविधता केशव की किस रचना में है। तो जो छंदों की विविधता है ये केशवदास के रामचंद्रिका में मिलती है, यहाँ पर जो विकल्प सी बिल्कुल उचित होगा। और जो रामचंद्रिका है इसके नायक हैं प्रभु श्री राम, इसे भी याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है 110, पूछा गया है रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाले कवि कौन थे। तो जो रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाई थी ये जगाई थी कवि भूषण के द्वारा, यहाँ पर जो विकल्प बी है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 111, पूछा गया है बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आती है। तो जो बिहारी सतसई है यह आती है मुक्तक काव्य के वर्ग में, भी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 112, पूछा गया है घनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम बताइए। तो जो घनानंद थे इन्हें इनकी रचना सुजान सागर के द्वारा अमर किया गया है, यहाँ पर जो सही विकल्प बी होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो घनानंद थे इनकी प्रेमिका का क्या नाम था। तो जो घनानंद थे इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 113 है, पूछा गया है लोक हैं लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत। तो जो ये उक्ति है ये भी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उक्ति है। तो ये किस कवि के द्वारा कही गई है, तो ये भी कही गई है घनानंद के द्वारा, यहाँ पर जो विकल्प डी है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 114, पूछा गया है चंडीचरित किस रीतिकालीन कवि की रचना है। तो जो चंडीचरित है
यह गुरु गोविंद सिंह की रचना है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो गुरु गोविंद सिंह थे इनका समय क्या था और ये किस काल में आते थे। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जो समय माना जाता है ये रीति काल के अंतर्गत माना जाता है इनका भी समय। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है यह एक चंडी चरित्र है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 115, पूछा गया है इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है। तो जो अलंकार ग्रंथ नहीं होगा तो यह है रस रहस्य। जो रस रहस्य है यह अलंकार ग्रंथ नहीं है, बाकी भाषा भूषण, पद्माभरण, वाणी भूषण ये तीनों ही अलंकार ग्रंथ हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 116, पूछा गया है गिरधर कबीराय की रचनाएं किस छंद में हैं। तो जो गिरधर कबीराय थे इनकी रचनाएं अधिकतर कुंडलिया छंद में मिलती हैं, यहाँ पर जो विकल्प भी है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 117, पूछा गया है कवि रत्नाकर किसकी रचना है। तो जो कवि रत्नाकर है यह सेनापति की रचना है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर यह प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार कि जो सेनापति थे किस विषय में रचनाएं करते थे। तो ये अधिकतर प्रकृति के विषय में ही रचनाएं करते थे, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 118, पूछा गया है कवि रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है। तो जो कवि रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य है यह भक्ति भावना से संबंधित है, यहाँ पर जो विकल्प सी बिल्कुल उचित होगा। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे इस वीडियो के तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 119, पूछा गया है कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किसको प्राप्त थी। तो ये प्रश्न भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे भी याद रखिएगा। तो जो कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त थी ये थी पद्माकर को, यहाँ पर जो सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है 120, पूछा गया है इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है। तो जो देव की रचना नहीं होगी तो ये होगी सुजान चरित, यहाँ पर जो डी सही विकल्प होगा। बाकी जो शब्द रसायन है, देवशतक है, भवानी विलास है, ये तीनों ही रचनाएं देव की हैं। अगला क्वेश्चन है 121, पूछा गया है अष्टयाम किसकी रचना है। तो जो अष्टयाम है यह भी देव की ही रचना है, यहाँ पर जो विकल्प उचित होगा। अगला है 122, पूछा गया है वृत्त कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो वृत्त कौमुदी है इसके रचनाकार हैं विकल्प डी मतीराम। अगला है 123, वृत्त कौमुदी का वर्ण्य विषय क्या है। तो जो वृत्त कौमुदी का वर्ण्य विषय होगा यह एक छंदशास्त्र का ग्रंथ है, यहाँ पर जो विकल्प सी बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 124, पूछा गया है रीतिकालीन कवियों का छंद निरूपण किससे प्रभावित है। तो जो रीतिकालीन कवियों का छंद निरूपण प्रभावित होगा तो यह वृत्त रत्नाकर से प्रभावित होगा, सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है 125, पूछा गया है तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो जो तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता होंगे तो ये होंगे रसरूप, यहाँ पर जो सही विकल्प सी होगा। दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा एक पीडीएफ को लॉन्च किया गया है जिसमें आपको हिंदी साहित्य के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जितने भी प्रश्न होंगे ये सभी वस्तुनिष्ठ होंगे और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य को कवर किया गया है, ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपके प्रश्न का उत्तर आपको जल्द ही मिल जाएगा। क्वेश्चन है 193, तो इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि असत्य कथन कौन सा होगा। तो जो पहला कथन है यह है घनानंद के काव्य में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है, तो ये कथन सही होगा। अगला है ठाकुर के काव्य में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग है, तो ये कथन भी सत्य होगा।
अगला जो कथन है, आलम जन्म से ब्राह्मण थे परंतु बाद में मुसलमान बन गए थे, तो ये कथन भी सत्य होगा। अंतिम जो डी है, इसमें पूछा गया है विरह बारिश नामक बोधा की कृति मुक्तक काव्य है, तो दोस्तों यहाँ पर जो कथन होगा डी, यह असत्य होगा, बाकी सब कथन सत्य होंगे। अगला क्वेश्चन 194 है, इसमें पूछा गया है सहजोबाई किस काल की कवयित्री है, तो जो सहजोबाई है यह है रीति काल की कवयित्री। अगला क्वेश्चन है 195, इसमें पूछा गया है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि महाराज विश्वनाथ सिंह कहाँ के राजा थे, तो ये थे विकल्प ए रीवा के राजा। अगला क्वेश्चन 196 है, इसमें पूछा गया है रीतिकाल में राम काव्य परंपरा में रामा अश्वमेध नामक प्रबंध काव्य की रचना करने वाले कवि कौन थे, तो ये थे विकल्प बी मधुसूदन। अगला क्वेश्चन है 197, इसमें पूछा गया है बनीठनी जी किस रीतिकालीन कवि की उपपत्नी थी, तो ये थी विकल्प बी नागरीदास की, जो नागरीदास थे इनकी पत्नी का नाम बनीठनी था। अगला क्वेश्चन 198 है, इसमें पूछा गया है ब्रजविलास के रचयिता कवि कौन है, तो जो ब्रजविलास रचना के रचयिता होंगे तो ये होंगे विकल्प सी ब्रजवासीदास। अगला क्वेश्चन 199 है, इसमें पूछा गया है अन्येन निश्चयात्मक ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है, तो ये होंगे विकल्प ए भगवत रसिक, यहाँ पर जो विकल्प ए है सही होगा। अगला क्वेश्चन 200 है, इसमें पूछा गया है अनियुक्ति कल्पद्रुम के रचयिता कौन है, तो जो रचना है अनियुक्ति कल्पद्रुम, तो इसके रचनाकार होंगे दीनदयाल गिरी, यहाँ पर जो 200 का सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन 201 है, इसमें पूछा गया है कौन सा कवि महाराज शिवाजी का पुत्र था, तो ये थे विकल्प ए नृपशंभु, जो नृपशंभु थे यह महाराज शिवाजी के पुत्र थे और यह एक कवि भी थे। दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगर अभी तक आपने इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर इसकी प्लेलिस्ट बनी है, उनके पार्ट्स भी देख सकते हो। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, वहां पर आपको इनका PDF मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 202, इसमें पूछा गया है सैयद गुलाम नबी इनमें से किसका नाम था, तो जो सैयद गुलाम नबी नाम था तो ये था विकल्प बी रसलीन का, 202 का सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन 203 है, तो पूछा गया है अनूप शहर का रहने वाला कवि इनमें से कौन सा था, तो ये थे विकल्प बी सेनापति, जो सेनापति थे यह अनूप शहर में रहते थे। अगला क्वेश्चन 204 है, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा रीतिकालीन कवि अपनी प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है, तो जो रीतिकाल में प्रकृति चित्रण करते थे तो ये करते थे सेनापति, यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला क्वेश्चन 205 है, इसमें पूछा गया है अलंकार पंचाशिका के रचयिता इनमें से कौन है, तो जो रचना है अलंकार पंचाशिका इसके रचनाकार होंगे मतीराम। अगला क्वेश्चन 206 है, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा कवि शिवाजी के हाथों शाइस्ता खां की दुर्गति के लिए जिम्मेवार रहा है, तो ये रहा है विकल्प ए जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है 126, तो यहाँ पर पूछा गया है रामचंद्राभरण रामचंद्र भूषण एवं रामालंकार नामक अलंकार ग्रंथ किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो रामचंद्राभरण रामचंद्र भूषण और रामालंकार हैं ये तीनों ही अलंकार ग्रंथ हैं, ये पूछे जा सकते हैं कि ये किस प्रकार के ग्रंथ हैं, ये तीनों ही अलंकार ग्रंथ माने जाते हैं और जो ये रीतिकाल की रचनाएं हैं, इसके पश्चात जो ये रचनाएं होंगी ये तीनों ही रचनाएं हैं कवि गोप की।
रामचंद्राभरण, रामचंद्र भूषण और रामालंकार ये तीनों ही कवि गोप की रचनाएं हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 127, पूछा गया है अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जो अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ है इसके रचयिता हैं रसिक सुमति। यहाँ पर जो विकल्प सी है बिल्कुल उचित होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमारी टीम के द्वारा एक पीडीएफ और एक टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है। जो पीडीएफ है इसमें आपको हिंदी साहित्य के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जो टेस्ट सीरीज है ये हिमाचल प्रदेश भाषा अध्यापक के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आगे प्रश्न है 128, तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सूची ए में कवि के बारे में दिया गया है और सूची दो में रीति ग्रंथ के बारे में दिया गया है। तो चलिए कवि और उसके ग्रंथ का मिलान करते हैं। तो सूची ए में मतीराम है और जो इनकी रचना है यह है ललित ललाम। आगे है जसवंत सिंह, तो इनकी जो रचना होगी ये होगी भाषा भूषण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। आगे पद्माकर हैं, इनकी जो रचना है यह है जगत विनोद। इसके पश्चात गोप हैं, इनकी रचना का नाम है रामचंद्राभरण, इसे भी याद रखिएगा। इस प्रकार ये मिलान यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर जो कूट होगा तो वो होगा कूट स, माफ करना कूट द। अगला क्वेश्चन है 129, तो पूछा गया है इनमें से पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो जो पद्माकर के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है तो ये होगा पद्माभरण। यहाँ पर जो विकल्प स है बिल्कुल उचित होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो पद्माभरण है ये पद्माकर जी का ग्रंथ है। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण बात होगी ये होगी जो पद्माभरण है यह एक अलंकार ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन 130 है, इसमें पूछा गया है भूषण के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। तो जो भूषण के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है यह होगा विकल्प बी शिवराज भूषण। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है जो शिवराज भूषण है यह भूषण का अलंकार ग्रंथ है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप के साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अलंकार पंचाशिका किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? तो अलंकार पंचाशिका जो ग्रंथ है यह होगा मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ और यह एक अलंकार ग्रंथ है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 132 है, तो इसमें पूछा गया है केशव किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? तो जो केशव हैं यह माने जाते हैं अलंकारवादी आचार्य कवि, इसे भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन 133 है, पूछा गया है बारवधु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जो बारवधु विनोद नामक रीति ग्रंथ है इसके रचनाकार माने जाते हैं विकल्प बी कालिदास त्रिवेदी। अगला क्वेश्चन है 134, पूछा गया है बारवधु विनोद का वर्ण्य विषय क्या है? तो जो बारवधु विनोद के रचनाकार हैं यह कालिदास त्रिवेदी और इनकी जो वर्ण्य विषय होगा बारवधु विनोद का तो ये होगा नायिका भेद, इसे भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन 135 है, इसमें पूछा गया है रसराज के रचयिता कवि का नाम बताइए। तो जो रसराज के रचयिता कवि होंगे तो ये होंगे विकल्प बी मतीराम। अगला क्वेश्चन 136 है, इसमें पूछा गया है रसराज का वर्ण्य विषय इनमें से क्या है? तो जो रसराज का वर्ण्य विषय होगा तो यह श्रृंगार रस एवं नायिका नायक नायिका भेद का ग्रंथ होगा। यहाँ पर जो विकल्प सी है यह उचित होगा। अगला क्वेश्चन 137 है, इसमें पूछा गया है रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जो रसभूषण नामक रीति ग्रंथ है यह याकूब खां का है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर
परीक्षा में पूछा जाता है, इसे नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है 138, इसमें पूछा गया है रसभूषण का वर्ण्य विषय इनमें से क्या है। तो अभी हमने देखा था जो रसभूषण का वर्ण्य विषय है यह श्रृंगार रस एवं नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन 139 है, इसमें सूची ए को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। सूची ए में कवि के बारे में दिया गया है और सूची दो में ग्रंथ के बारे में दिया गया है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो जो पद्माकर की रचना होगी यह होगी हिम्मत बहादुर बिरुदावली, यहाँ पर जो विकल्प भी उचित होगा। उसके पश्चात जो रसलीन है यह अंगदर्पण जो रचना है यह रसलीन की रचना है। अगला है तोष, तो इनकी रचना है सुधा निधि, यहाँ पर जो डी है उचित होगा। उसके पश्चात जो याकूब खां है इनकी रचना होगी रसभूषण। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सूची ए का मिलान सूची दो के साथ हो जाता है, तो यहाँ पर जो सही कोड होगा तो वो होगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन 140 है, तो इसमें पूछा गया है नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो जो नवरस नामक ग्रंथ है इसके रचयिता माने जाते हैं बेनी प्रवीण, तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 141 है, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा कवि मुसलमान है। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों के अनुसार मुसलमान कवि होंगे विकल्प ए रसलीन। अगला क्वेश्चन 142 है, इसमें पूछा गया है सैयद गुलाम नवी का उपनाम क्या है। तो जो सैयद गुलाम नवी का उपनाम है यह रसलीन है, तो यह प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है 143, पूछा गया है किस कवि ने जयपुर नरेश प्रताप सिंह, सतारा नरेश रघुनाथ राव, ग्वालियर नरेश दौलत राम सिंधिया के आश्रय में रहकर काव्य रचना की थी। तो ये की थी विकल्प सी पद्माकर के द्वारा, तो इसे कहीं पर नोट करिएगा, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपयुक्त शासक के अधीन किसने रहकर काव्य रचना की है, तो ये की है पद्माकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची ए को सूची दो के साथ ही सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची ए में कवि दिया गया है और सूची दो में उनका जन्म दिया गया है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो जो पद्माकर थे इनका जन्म माना जाता है 1753 ईस्वी में। अगले जो होंगे तो यह है मतीराम, इनका जो जन्म माना जाता है 1617 ईस्वी में। अगले हैं केशवदास, इनका जो जन्म माना जाता है 1555 ईस्वी में। अगले जो बिहारी हैं इनका जन्म माना जाता है 1603 ईस्वी में। इस प्रकार यहाँ पर सूची ए का सूची दो के साथ मिलान हो जाता है और जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा विकल्प सी। 145 पूछा गया है व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार इनमें से कौन है। तो जो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार होंगे दिए गए विकल्पों के अनुसार तो वो होंगे विकल्प सी प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है 146, पूछा गया है इनमें से रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित था, जिसने रीति निरूपक ग्रंथ लिखे थे। तो ये थे विकल्प डी रसिक गोविंद। तो जो रसिक गोविंद थे ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनके द्वारा रीति निरूपक ग्रंथ भी लिखे गए हैं, तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 147, पूछा गया है गोविंदानंद घन के रचयिता कौन है। तो जो रचना है गोविंदानंद घन, तो इसके रचनाकार होंगे रसिक गोविंद, यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 148, पूछा गया है गोविंदानंद घन का वर्ण्य विषय क्या है। तो जो ग्रंथ है गोविंदानंद घन, तो इसका जो वर्ण्य विषय होगा तो ये होगा अलंकार, रस निरूपण और नायिका भेद, ये तीनों ही इसके वर्ण्य विषय हैं, यहाँ पर जो विकल्प डी बिल्कुल उचित होगा। रचना है गोविंदानंद घन और इसके रचनाकार है रसिक गोविंद, इसे भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन है 149। तो इसमें पूछा गया है रसपीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। तो जो रसपीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता होंगे तो ये होंगे सोमनाथ। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन 150 है। इसमें पूछा गया है राम रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है। तो जो राम रत्नाकर है तो इस ग्रंथ का वर्ण्य विषय होगा संगीत शास्त्र। इसे भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 151। तो इसमें पूछा गया है जुगल विलास के रचयिता कौन हैं। तो जो जुगल विलास ग्रंथ है इसके रचयिता होंगे राम सिंह। यहाँ पर जो विकल्प भी है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन 152 है। इसमें पूछा गया है रसिकानंद की रचना किस कवि ने की है। तो जो रसिकानंद रचना है ये किस कवि की रचना है, तो ये होगी ग्वाल कवि की रचना। अगला क्वेश्चन 153 है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। तो जो असत्य कथन होगा तो ये होगा विकल्प सी, पिंगल प्रकाश पद्माकर का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन 154 है। इसमें पूछा गया है इनमें से रीति का क्या अर्थ काव्यशास्त्र में लिया जाता है। तो जो रीति का अर्थ काव्यशास्त्र में लिया जाता है तो ये लिया जाता है विशिष्ट पद रचना के लिए। यहाँ पर जो विकल्प भी है उचित होगा। अगला जो क्वेश्चन यह 155 है। इसमें पूछा गया है ब्रजभाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है। तो ये किया गया है विकल्प ए व्यंग्यार्थ कौमुदी में। अगला क्वेश्चन है 156। तो यहाँ पर पूछा गया है को कीतेक उपाय करो कहूँ खोत आपुने पिया पर राय। तो जो ये पंक्ति है किस कवि की है, तो ये पंक्ति होगी विकल्प सी मतीराम जी की। मतीराम जी कहते हैं को कीतेक उपाय करो कहूँ होत हैं आपुने पिया पर राय। तो ये पंक्ति भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके रचनाकार मतीराम है। अगला क्वेश्चन है 157। तो यहाँ पर पूछा गया है रसविलास का मूल प्रतिपाद्य क्या है। तो जो रचना है रसविलास इसका मूल प्रतिपाद्य या विषय होगा विकल्प बी रस। अगला क्वेश्चन 158 है। इसमें पूछा गया है भरतपुर के राजा सुजान सिंह जिनका उपनाम सूरजमल है के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन करने वाले कवि कौन थे। तो ये थे विकल्प बी सूदन। अगला क्वेश्चन 159 है। इसमें पूछा गया है सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। तो सूरजमल की वीरता का वर्णन किया गया है सुजान चरित्र में। यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला क्वेश्चन 160 है। इसमें पूछा गया है राधा सुधा शतक के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो राधा सुधा शतक के रचनाकार हैं तो ये होंगे विकल्प डी श्री हरि जी। अगला क्वेश्चन 161 है। इसमें पूछा गया है किस कवि की नीति कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं। तो ये हैं विकल्प बी गिरधर कविराय। अगला क्वेश्चन 162 है। इसमें पूछा गया है स्नेह सागर का संपादन किसने किया है। तो जो स्नेह सागर ग्रंथ का संपादन किया गया था तो ये लाला भगवान दीन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो विकल्प डी है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन 163 है। यहाँ पर पूछा गया है स्नेह सागर के रचयिता का नाम क्या है। तो जो ग्रंथ है स्नेह सागर इसके रचयिता का नाम बख्शी हंस राज है। स्नेह सागर रचना का रचयिता का नाम बख्शी हंसराज होगा। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 164। पूछा गया है आनंद रघुनंदन के रचयिता का नाम बताइए। तो जो ग्रंथ है आनंद रघुनंदन इसके ग्रंथकार माने जाते हैं या रचनाकार माने जाते हैं महाराज विश्वनाथ सिंह। तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसे भी कहीं पर नोट करके रखिएगा। इसे हिंदी का प्रथम नाटक भी माना जाता है, इसे भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन 165 है, इसमें पूछा गया है रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो जाति का ब्राह्मण था किंतु किसी प्रेमिका के प्रेम के कारण उससे विवाह कराने हेतु मुसलमान बन गया था। तो ये थे विकल्प सी आलम, यहाँ पर सी बिल्कुल उचित विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 166, तो यहाँ पर पूछा गया है शेख रंगरेजिन ने किस प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि से विवाह किया था। तो जो शेख रंगरेजिन थी इनके द्वारा विवाह आलम के साथ किया गया था, यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन 167 है, इसमें पूछा गया है कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छिन जो प्रसिद्ध उक्ति है किस कवि के द्वारा कही गई है। तो ये कही गई है आलम के द्वारा, यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन 168 है, इसमें पूछा गया है आलम केली के रचयिता कवि कौन है। तो जो आलम केली के रचयिता होंगे तो ये होंगे कवि आलम, यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला क्वेश्चन 169 है, इसमें पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है। तो ये माना है महाराज विश्वनाथ सिंह, यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 170, पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना रसिक गोविंद की नहीं है। तो यहाँ पर जो रसिक गोविंद की रचना नहीं होगी तो वो होगी विकल्प डी काव्य विलास, बाकी युगल रस माधुरी रसिक गोविंदानंद घन कलियुग रासो, ये तीनों ही रसिक गोविंद सिवाय काव्य विलास के। अगला क्वेश्चन 171 है, यहाँ पर पूछा गया है यमुना लहरी के रचयिता कवि कौन है। तो जो यमुना लहरी रचना है इसके रचयिता कवि होंगे ग्वाल कवि, सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन 172 है, पूछा गया है नवरस तरंग के रचयिता कौन है। तो जो रचना होगी नवरस तरंग तो इसके रचनाकार हैं बेनी प्रवीण, यहाँ पर जो विकल्प सी है उचित होगा। अगला क्वेश्चन 173 है, पूछा गया है आचार्य शुक्ल ने मतिराम और पद्माकर के समकक्ष इनमें से किस कवि को माना है। तो ये माना है विकल्प ए बेनी प्रवीण को। अगला जो क्वेश्चन है ये है 174, यहाँ पर सूची ए को सूची दो के साथ सुमिलित करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो जो रसलीन थे इनकी रचना है अंग दर्पण, यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला है तोष, तो इनकी रचना होगी सुधा निधि, डी सही होगा। अगले हैं भिखारी दास, तो इनकी रचना होगी काव्य निन्ने। अगले हैं देव, तो इनकी रचना होगी कुशल विलास। तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनता रहता है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर कोड डी बिल्कुल उचित होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 175, पूछा गया है देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है। तो जो देव का ग्रंथ होगा तो ये होगा विकल्प बी अष्टयाम, जो अष्टयाम है इसमें रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या के बारे में बताया गया है, यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल उचित होगा। अगला जो क्वेश्चन है तो ये है 176, इसमें पूछा गया है बाबरी जो पै कलंक लगियो तो निसंक हवे क्यों नहीं अंक लगा वहीं। तो जो ये प्रसिद्ध उक्ति है तो पूछा गया है किसकी है, तो यह नेवास की उक्ति। अगला क्वेश्चन है 177, इसमें पूछा गया है आचार्य शुक्ल ने ममट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से कौन से ग्रंथ को माना है। तो जो आचार्य शुक्ल थे इन्होंने ममट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद माना है रस रहस्य को, यहाँ पर जो सी है बिल्कुल उचित होगा। अगला है 178, इसमें पूछा गया है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो जो कवि भूषण थे इन्हें भूषण की अर्थात जो भूषण थे इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी, ये दी गई थी विकल्प डी सोलंकी राजा रुद्र के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 179, इसमें पूछा गया है हवे बन माल ही ये
लगही अरु हवे मुरली अधरा रस पीजे। तो जो ये उक्ति है तो ये किसकी उक्ति है? तो ये है मती राम जी की उक्ति। उक्ति को फिर से पढ़ते हैं। हवे बनमाल लिए लगही अरु हवे मुरली अधरा रस पीजे। तो ये उक्ति होगी मती राम की। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो असत्य कथन होगा तो ये होगा विकल्प डी, सूदन ने श्रृंगार रस की कविता लिखी थी। तो ये असत्य होगा। तो जो सूदन के द्वारा कविताएं लिखी गई थी तो ये अधिकतर बी रस से संपूर्ण थी, श्रृंगार कम ही वर्णन होगा। अगला है जो यहाँ पर सत्य कथन होंगे तो जो रचना है रसराज, इसके रचनाकार थे मतीराम, बिल्कुल उचित होगा। अगला है बिहारी सतसई पर आर्य सप्शती का प्रभाव है, तो ये भी बिल्कुल उचित है। अगला है रीतिकाल में भूषण बीरस के कवि हैं, तो ये भी बिल्कुल उचित होगा, सिवाय डी के बाकी सभी ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 188, इसमें पूछा गया है रसिक मोहन का वर्ण्य विषय क्या है? तो जो रसिक मोहन का वर्ण्य विषय होगा तो ये होगा अलंकार निरूपण। अगला है 182, इसमें पूछा गया है रसिक मोहन के रचयिता कवि कौन हैं? तो जो रसिक मोहन के रचयिता कवि होंगे तो ये होंगे विकल्प ए रघुनाथ बंदीजन। अगला क्वेश्चन है 183, इसमें पूछा गया है तुलसीभूषण के रचनाकार कौन हैं? तो जो ग्रंथ है तुलसीभूषण, इसके रचनाकार होंगे विकल्प सी रसरूप। अगला जो क्वेश्चन है ये है 84, इसमें पूछा गया है तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांटकर किस अलंकार ग्रंथ में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं विकल्प ए तुलसीभूषण में। अगला जो क्वेश्चन है ये 185 है, इसमें पूछा गया है रसदर्पण के रचयिता का नाम बताइए। तो जो रसदर्पण के रचयिता हैं तो ये हैं सेवादास। यहाँ पर जो विकल्प सी है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 186, इसमें पूछा गया है रघुनाथ अलंकार किस कवि की रचना है? तो जो रघुनाथ अलंकार है ये होगी सेवादास की रचना। यहाँ पर जो विकल्प है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 187, इसमें पूछा गया है वृत्त विचार नामक छंद निरूपक रीति ग्रंथ किस कवि ने लिखा है? तो ये लिखा गया है सुखदेव मिश्र के द्वारा। सुखदेव की रचना है वृत्त विचार और ये छंद निरूपक नामक रीति ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है 188, इसमें पूछा गया है राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो जो राम सहाय के द्वारा रचित ग्रंथ है यह है वाणीभूषण और यह एक अलंकार ग्रंथ है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 189, इसमें पूछा गया है वृत्त तरंगिनी के रचयिता कौन है? तो जो ग्रंथ है वृत्त तरंगिनी, तो इसके रचयिता होंगे विकल्प डी राम सहाय। अगला क्वेश्चन है 190, इसमें पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा होगा? तो दिए गए कथनों के अनुसार जो असत्य कथन होगा तो ये होगा विकल्प सी, व्यंग्यात कौमुदी भूषण की रचना है। तो ये भूषण की रचना नहीं होगी। बाकी जो सत्य कथन होंगे उन्हें देखते हैं। कवि रत्नाकर सेनापति की रचना है, बिल्कुल सही है। ललित ललाम मतीराम की रचना है, तो यह भी बिल्कुल सही है। आगे है सुजान चरित्र, यह सुदन की रचना है, तो बिल्कुल सही होगा यह भी। अगला क्वेश्चन है 191, इसमें पूछा गया है कि ऋतु वर्णन की दृष्टि से कौन सा कवि सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो रीतिकाल में ऋतु वर्णन का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है विकल्प सी सेनापति के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है 192, इसमें सूची ए को चीदों के साथ सुमेलित करते हैं। तो रचना है कवित रत्नाकर, इसके रचनाकार होंगे सेनापति। आगे है रसराज, तो इसके रचनाकार होंगे मतीराम। इसके पश्चात वाणीभूषण ग्रंथ है, इसके रचनाकार होंगे राम सहाय। इसके पश्चात है इश्कनामा, तो इसके रचनाकार होंगे बोधा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो कोड सही होगा तो ये होगा कोड ए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है 193, इसमें पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा होगा? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों के अनुसार जो असत्य कथन होगा तो ये होगा विकल्प डी,
तो जो यहाँ पर डी विकल्प होगा, इसमें दिया गया है बिरह वारिश नामक बोधा की कृति मुक्तक काव्य कृति है। तो दोस्तों यह होगा असत्य कथन, बाकी सभी सत्य कथन होंगे। अगला जो क्वेश्चन है यह है 207। इसमें पूछा गया है भाषा भूषण में कितने दोहे हैं। तो जो रचना है भाषा भूषण, इसमें दोहों की संख्या पूछी गई है, तो यह है 212। यहाँ पर जो विकल्प सी है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन 208 है। इसमें पूछा गया है मतीराम कृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है। तो ये होगा कुबल्यानंद। यहाँ पर जो सी सही विकल्प होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो ललित ललाम है ये किस रचनाकार की कृति है, तो ये होगी मतीराम की कृति। अगला क्वेश्चन है 209। तो इसमें पूछा गया है रसराज के रचयिता इनमें से कौन है। तो जो रसराज के रचयिता हैं तो ये होंगे विकल्प सी मतीराम। अगला क्वेश्चन 210 है। इसमें पूछा गया है पद्माभरण की रचना कब की गई थी। तो जो रचना है पद्माभरण, इसकी रचना की गई थी 1810 में। यहाँ पर जो विकल्प ए है उचित होगा। अगला क्वेश्चन 211 है। इसमें पूछा गया है रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। तो जो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था, ये दिया गया था मिश्र बंधुओं के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प ए सही होगा। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो मिश्र बंधुओं की संख्या कितनी है, तो ये होगी 3। अगला जो क्वेश्चन है ये 212 है। इसमें पूछा गया है भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नहीं। तो ये जो पंक्ति है किसकी है पूछी गई है, तो ये जो पंक्ति होगी ये होगी बृंद की। यहाँ पर जो विकल्प डी है उचित होगा। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 213 है। इसमें पूछा गया है अनियुक्ति कल्पतरुम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो जो रचना है अनियुक्ति कल्पतरुम, तो इसके रचनाकार होंगे यहाँ पर विकल्प सी दीनदयाल गिरी के द्वारा अनियुक्ति कल्पतरुम नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन 214 है। इसमें पूछा गया है बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है। तो जो रचना है बिहारी रत्नाकर, तो ये होगी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना। रत्नाकर से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 215 है। इसमें पूछा गया है हिंदी के किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है। तो जो हिंदी के कवि हैं ये होंगे विकल्प बी सेनापति। जो सेनापति थे इन्हें संस्कृत के कवि नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है या इनसे इनकी उपमा की जाती है। अगला क्वेश्चन 216 है। इसमें पूछा गया है महाभारत का दोहा छुपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया था। तो जो महाभारत ग्रंथ है इसका दोहा छुपाई शैली में अनुवाद किया गया था सबल सिंह के द्वारा। यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये 217 है। इसमें पूछा गया है कि जो पद्माकर के जगद्विनोद में कुल कितने छंद हैं। जो पद्माकर की रचना है जगद्विनोद, तो इसमें छंदों की संख्या पूछी गई है, तो ये होगी 731। अगला क्वेश्चन 218 है। इसमें पूछा गया है काली पहाड़ी नामक
काली पहाड़ी नामक ग्राम किस कवि को जागीर के रूप में दिया गया था? तो ये दिया गया था विकल्प बी, बिहारी को। अगला क्वेश्चन 219 है, इसमें पूछा गया है इनमें से किसका प्रभाव बिहारी सत्सई पर नहीं है? तो जो रामचंद्रिका होगी इसमें बिहारी सत्सई का प्रभाव नहीं होगा, बाकी आर्य सप्शती, गाथा सप्शती, अमरुक शतक, इन तीनों ही रचनाओं का प्रभाव बिहारी सत्सई पर पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है 220, इसमें पूछा गया है यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष और कोई रचना नहीं है, तो जो ये उक्ति है या कथन है किसका है? तो ये है विकल्प बी ग्रियर्सन का। जो ग्रियर्सन थे इन्होंने बिहारी सत्सई के संबंध में कहा था कि यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई भी रचना नहीं ठहरती है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 221, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ लिखने वाला आचार्य नहीं है? तो जो अलंकार ग्रंथ लिखने वाले आचार्य नहीं होंगे तो ये होंगे विकल्प डी बिहारी। जो बिहारी थे ये अलंकारवादी या अलंकार ग्रंथ लिखने वाले आचार्य नहीं थे, बाकी जो पद्माकर, जसवंत सिंह और भूषण, इनके तीनों ही अलंकार ग्रंथ रचने वाले आचार्य थे। अगला क्वेश्चन 222 है, इसमें पूछा गया है व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन हैं? तो जो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार होंगे तो ये होंगे विकल्प सी प्रताप शाही। अगला क्वेश्चन 223 है, इसमें पूछा गया है चंडी चरित्र के रचयिता कौन हैं? तो जो चंडी चरित्र प्रसिद्ध रचना है इसके रचनाकार होंगे सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो गुरु गोविंद सिंह थे तो इनकी भाषा कौन सी थी? तो ये थी ब्रजभाषा। आपको ये भी याद रखना है कि कई बार किसी भी रीतिकालीन कवि के बारे में पूछा जाए कि इनकी भाषा क्या है तो ये अधिकतर ब्रज ही होगी, क्योंकि अधिकतर रीतिकालीन कवियों ने ब्रजभाषा में ही अपनी काव्य को रचा है। अगला जो क्वेश्चन ये 224 है, इसमें पूछा गया है भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं, घनानंद के विषय में ये उक्ति किस आलोचक ने कही है? तो ये कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 225 है, इसमें पूछा गया है आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन थे? तो ये थे विश्वनाथ सिंह। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है यह है 207, इसमें पूछा गया है भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? तो जो रचना है भाषा भूषण इसमें दोहों की संख्या पूछी गई है, तो यह है 212। यहाँ पर जो विकल्प सी है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन 208 है, इसमें पूछा गया है मतीराम कृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? तो ये होगा कुबल्यानंद, यहाँ पर जो सी सही विकल्प होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो ललित ललाम है ये किस रचनाकार की कृति है, तो ये होगी मतीराम की कृति। अगला क्वेश्चन है 209, तो इसमें पूछा गया है रसराज के रचयिता इनमें से कौन है? तो जो रसराज के रचयिता है तो ये होंगे विकल्प सी मतीराम। अगला क्वेश्चन 210 है, इसमें पूछा गया है पद्माभरण की रचना कब की गई थी? तो जो रचना है पद्माभरण इसकी रचना की गई थी 1810 में, यहाँ पर जो विकल्प ए है उचित होगा। अगला क्वेश्चन 211 है, इसमें पूछा गया है
रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो जो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था, ये दिया गया था मिश्र बंधुओं के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प ए सही होगा। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो मिश्र बंधुओं की संख्या कितनी है, तो ये होगी 3। अगला जो क्वेश्चन है ये 212 है। इसमें पूछा गया है, भले बुरे सब एक सम, जो लोग बोलत नहीं। तो ये जो पंक्ति है किसकी है पूछी गई है? तो ये जो पंक्ति होगी ये होगी बृंद की। यहाँ पर जो विकल्प डी है उचित होगा। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 213 है। इसमें पूछा गया है, अनियुक्ति कल्पतरुम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जो रचना है अनियुक्ति कल्पतरुम, तो इसके रचनाकार होंगे यहाँ पर विकल्प सी, दीनदयाल गिरी के द्वारा अनियुक्ति कल्पतरुम नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन 214 है। इसमें पूछा गया है, बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है? तो जो रचना है बिहारी रत्नाकर, तो ये होगी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना। रत्नाकर से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 215 है। इसमें पूछा गया है, हिंदी के किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है? तो जो हिंदी के कवि हैं ये होंगे विकल्प बी, सेनापति। जो सेनापति थे इन्हें संस्कृत के कवि नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है या इनसे इनकी उपमा की जाती है। अगला क्वेश्चन 216 है। इसमें पूछा गया है, महाभारत का दोहा छुपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया था? तो जो महाभारत ग्रंथ है इसका दोहा छुपाई शैली में अनुवाद किया गया था सबल सिंह के द्वारा। यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये 217 है। इसमें पूछा गया है कि जो पद्माकर के जगद्विनोद में कुल कितने छंद हैं? जो पद्माकर की रचना है जगद्विनोद, तो इसमें छंदों की संख्या पूछी गई है, तो ये होगी 731। अगला क्वेश्चन 218 है। इसमें पूछा गया है, काली पहाड़ी नामक ग्राम किस कवि को जागीर के रूप में दिया गया था? तो ये दिया गया था विकल्प बी, बिहारी को। अगला क्वेश्चन 219 है। इसमें पूछा गया है, इनमें से किसका प्रभाव बिहारी सत्सई पर नहीं है? तो जो रामचंद्रिका होगी इसमें बिहारी सत्सई का प्रभाव नहीं होगा, बाकी आर्य सप्शती, गाथा सप्शती, अमरुक शतक, इन तीनों ही रचनाओं का प्रभाव बिहारी सत्सई पर पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है 220, इसमें पूछा गया है, यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष और कोई रचना नहीं है। तो जो ये उक्ति है या कथन है किसका है? तो ये है विकल्प बी, ग्रियर्सन का। जो ग्रियर्सन थे इन्होंने बिहारी सत्सई के संबंध में कहा था कि यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई भी रचना नहीं ठहरती है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 221। इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ लिखने वाला आचार्य नहीं है? तो जो अलंकार ग्रंथ लिखने वाले आचार्य नहीं होंगे, तो ये होंगे विकल्प डी, बिहारी। जो बिहारी थे ये अलंकारवादी या अलंकार ग्रंथ लिखने वाले आचार्य नहीं थे, बाकी जो पद्माकर, जसवंत सिंह और भूषण, इनके तीनों ही अलंकार ग्रंथ रचने वाले आचार्य थे। अगला क्वेश्चन 222 है। इसमें पूछा गया है, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन हैं? तो जो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार होंगे, तो ये होंगे विकल्प सी, प्रताप शाही। अगला क्वेश्चन 223 है। इसमें पूछा गया है, चंडी चरित्र के रचयिता कौन हैं? तो जो चंडी चरित्र प्रसिद्ध रचना है, इसके रचनाकार होंगे सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो गुरु गोविंद सिंह थे तो इनकी भाषा कौन सी थी? तो ये थी ब्रजभाषा। आपको ये भी याद रखना है कि कई बार किसी भी रीतिकालीन कवि के बारे में पूछा जाए कि इनकी भाषा क्या है, तो ये अधिकतर ब्रज ही होगी, क्योंकि अधिकतर रीतिकालीन कवियों ने ब्रजभाषा में ही अपनी काव्य को रचा है। अगला जो क्वेश्चन ये 224 है। इसमें पूछा गया है, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं।
घनन के विषय में ये युक्ति किस आलोचक ने कही है? तो ये कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 225 है, इसमें पूछा गया है आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन थे? तो ये थे विश्वनाथ सिंह। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है।